हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूदी। आज पता है आजकल समर सीजन स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा लोग हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हो गए हैं, डाइटिंग करते हैं, तो आज मैंने आपको बताने जा रही हूँ, एक स्ट्रॉबेरी का सीजन है, आपको पता बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आ रही है, तो स्ट्रॉबेरी स्मूदी बताने जा रही हूँ। आपको पता है स्मूदीज को लोग वैसे भी कहते हैं, मील की जगह पूरा आप यूज कर सकते हो। ये देखिए साथ साथ, ये मैं बताती जा रही, एक मैंने कप भर के, कोई इसका परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने जितना स्ट्रॉबेरी लिया था उतना ही मैंने ये कर्ड लिया हुआ है। ये पता है स्मूदी से एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारा कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ जाता है, जिससे हमारा फाइबर इंटेक भी बढ़ जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत भी अच्छा होता है। और स्मूदीज को एज अ ब्रेकफास्ट भी आप पूरा यूज कर सकते हो। अब इसमें हम ये डालेंगे, ये हनी अराउंड 1 स्पून है, आप हनी भी आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू मेक होती है स्मूदीज। अब हम इनको इसको मिक्स कर मिक्सर में चला लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने अच्छे से मिक्सर में कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने देखिए चिया सीड्स लूँगी, ये मैंने रात में सोक करके रख दिया अराउंड, वैसे तो 5-6 घंटे में भी हो जाती, पर आप कोशिश करिए कि अराउंड 10 से 12 घंटे ये सोक करके आप रख दीजिए। मैंने ये सोक करके फ्रिज में रखी हुई है क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसको मैं सबसे पहले ये ग्लास में डालूँगी, अराउंड देखिए 1 स्पून छोटा, तो 1 स्पून भर के कायदे से डालते हैं। चिया सीड्स के आप लोगों को पता ही है कि बेनिफिट्स भी बहुत हैं, ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है चिया सीड्स, और ये आपका अगर बीपी हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। और चिया सीड्स देखिए मैंने डाल दिया, उसके बाद ऊपर से हम ये, अगर आपको ठंडा पसंद है तो आप इसमें ऊपर से इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, आप ठंडा ठंडा पीना चाहते हैं। अब इसके बाद हम इसमें चिया सीड्स डालें, इनको मिक्स कर लेंगे, ये देखिए अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। चिया सीड्स आपकी वाला ये आप एज अ ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे ये आप स्मूदी है चिया सीड से, ये बहुत ज़्यादा फिलिंग हो जाता है, ये वेट लूज में भी बहुत हेल्प करता है, और ये आपके जो बेली फैट होता है, जनरली लेडीज़ उसकी वजह से परेशान होती है, ये आपके बेली फैट को भी बहुत कम करता है। इसके बाद आपको डेकोरेट करना है तो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी डालिए ऊपर से, हमें अपना फ्रूट्स इंटेक बढ़ाना है। वैसे तो स्ट्रॉबेरी आप एक बार में कितना खा सकते हैं, 4-5 खा लोगे, स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा नहीं खाया जाता इसमें अराउंड। मैंने बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है तो 7-8 स्ट्रॉबेरी यूज़ करिए, और छोटी है साइज़ में तो आप करीब 10-12 जितनी भी कर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर देते हैं। हमारी स्ट्रॉबेरी स्मूदी तैयार हो गई है, बहुत इजी टू मेक है ये और बहुत ही हेल्दी है, जैसे मैंने आपको इसके बेनिफिट स्मूदीज के भी बता दिए, चिया सीड्स का क्या बेनिफिट है ये बना दिया। आप एज ए ब्रेकफास्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा पी सकते हैं, और ये बीच में आपको जो छोटी सी भूख लगती है ना जनरली, तो वो उस टाइम पे भी ये बहुत ही होता है, क्योंकि इसके चिया सीड्स डाले होते हैं, इससे आपको भूख भी कम करती है ये आपकी, तो ये आपके लिए वैसे भी बेनिफिट है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, तो आप ये शुरू करिए, समर सीजन आ गया, स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी आ रही है आजकल, तो आप स्मूदीज बनाइए, ट्राई करिए, और आपको कैसी लगी स्मूदी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।